जय हिंद दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फिर उनका ग्रेजुएशन अभी अभी हुआ है। ये जो वीडियो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब जो टाइम है वो लाइफ में कुछ कर दिखाने का है। मैं ये मान के चलता हूँ कि अब तक आप लोगों को अपनी ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होगा, आपने एक पूरी लाइफ स्कूल की और कॉलेज की देख ली है। अब जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि फैमिली से भी प्रेशर आना शुरू हो गया होगा किस तरीके से आगे आपको अपनी लाइफ को लेके जाना है, और उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों की आंखें भी खुल चुकी होंगी कि अब तो लाइफ में कुछ करना ही। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि उनको आगे लाइफ में क्या करना है, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए एक अलार्म है कि अब आप जाग जाओ क्योंकि अब टाइम आ चुका है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का। तो जिन बच्चों का ग्रेजुएशन हो गया है और वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करें या फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें, तो मैं उनके लिए कुछ चीज़ें आज आपको बताऊंगा। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सबसे पहले अपना माइंड सेट करें विदाउट एनी कन्फ्यूजन कि उनको लाइफ में अब क्या करना है। अगर उनको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है तो आज से ही कमर कस लें, प्रिपरेशन करनी शुरू कर दें और सब कुछ भूल जाएं। अगर किसी को डिफेंस की प्रिपरेशन करनी है तो वो डिसाइड कर लें। अगर किसी को प्राइवेट सेक्टर में जाना है, डिजिटल मार्केटिंग में जाना है या कोई भी सेक्टर जो उनके पसंद का है, तो और चीज़ों को भूलकर अब अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करें। मैं मानता हूं कि अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। और जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता तो वो एक हफ्ते का टाइम लेके कम से कम एक हफ्ता अपनी लाइफ का अपने लक्ष्य के लिए आप लोग निकालें, जहाँ पर सिर्फ यही सोचें कि अब लाइफ में क्या करना है, कौन सा करियर मुझको चुनना है। और एक बार अगर आपने सोच लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है या डिफेंस में ऑफिसर ही बनना है, तो फिर आप जब तक आपकी एज अलाउ करती है तब तक आप उस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि कन्फ्यूजन की जो स्टेज है वो हर किसी के लाइफ में आती है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लूँगा सचिन तेंदुलकर का कि अगर वो भी सोचते कि यार ठीक है, 4 साल मैंने क्रिकेट की प्रैक्टिस करी है, अब मैं कुछ और गेम ट्राई करता हूँ, मैं बास्केटबॉल ट्राई करता हूँ, तो आज वो सचिन तेंदुलकर नहीं होते। अगर अमिताभ बच्चन एक स्टेज में ये सोचते कि यार एक्टिंग बहुत हो गई, सफलता नहीं मिल रही है और अब मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, तो वो आज अमिताभ बच्चन नहीं होते। आपके सामने एक बेस्ट एग्जाम्पल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कि उन्होंने कितने साल अपने करियर को दिए। अगर वो भी कन्फ्यूज होते कि यार ठीक है अभी मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं इसकी तैयारी करता हूँ, अब मैं उसकी तैयारी करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ, तो वो आज सफल नहीं हो पाते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जो आपने लक्ष्य अपने लिए चुना है, जो करियर आपने अपने लिए चुना है, अब टाइम आ गया है कि उसको कम से कम 2 से 3 साल का टाइम देना है विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो मैं उन बच्चों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को समझें और उसको कम से कम 2-3 साल दें। एक बात और जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे एक गुरु हैं, जब मैं कॉलेज में था तो वो सारे बच्चों से कहा करते थे कि लाइफ में सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, एक खूब खेलना है और दूसरा खूब पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज़ नहीं करनी है। शायद कुछ स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज मिल चुका होगा कि वो तीसरी चीज़ क्या है, ठीक है। तो सिर्फ 2 चीज़ों में अगर आप लोगों ने ध्यान दे दिया, खूब पढ़ना है और खूब खेलना है, खेलने का मतलब है कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको करनी है, तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। क्योंकि सिर्फ यही कुछ टाइम 1-2 साल आपके पास हैं जब आप
कुछ कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद फिर बहुत सारे और प्रेशर्स आप लोगों में आ जाएंगे। और एक तो सेल्फ प्रेशर जो आएगा कि यार मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब मैं क्या करूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि यार अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूँ, MBA की तरफ जाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी यही समस्याएँ फिर से आएंगी। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अभी से आप अपना टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें और दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर। धन्यवाद दोस्तों।